अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, शिमला में विधानसभा से निकाली शव यात्रा, सीटीओ पर पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। देशभर में अग्निपथ को लेकर विरोध, अग्निपथ के खिलाफ सड़कों पर उतरी आप, डीसी ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। स्मार्ट सिटी शिमला की पुलिस भी होगी स्मार्ट, यातायात के लिए बनेगा कंट्रोल रूम, आधुनिक उपकरणों से लैस होगी ट्रैफिक पुलिस। गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में होगा भव्य समारोह, राज्यपाल और सीएम जयराम बनेंगे पर्व का हिस्सा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया 12वीं का परिणाम, रिजल्ट में लड़कियों ने मारी बाजी, टॉप 10 में सिर्फ लड़कियों ने बनाई जगह। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजु भाटी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हिमाचल की खास खबरों के साथ। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ देशभर में बवाल मचा है। एक तरफ जहां युवा सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दलों ने भी इस योजना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजधानी शिमला में कांग्रेस ने विधानसभा से डीसी ऑफिस तक इस योजना के खिलाफ शव यात्रा निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में कांग्रेस चुनाव प्रसार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन, कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह और अनिरुद्ध सिंह सहित कई नेता शामिल हुए। जो प्रदर्शन था शिमला शहरी कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया वो उन युवाओं के समर्थन में किया जो देश के लिए हमेशा कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है, कांग्रेस पार्टी की जब तक सरकारें रही कभी ऐसी योजना नहीं आई। अग्निपथ योजना के तहत जो ये सरकार योजना लाई है, जो युवा अपने देश अपने प्राण हमेशा देश के लिए कुर्बान रहने के लिए तैयार रहता है, उसके लिए टेम्परेरी योजना लेकर आई कि वो 4 साल भर्ती होगा और 75% युवा उसमें से अपने कभी किसी भी समय उनको 4 साल बाद हटा दिया जाएगा। तो जो युवा देश की रक्षा करता है, देश के लिए प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार रहता है, क्या उसको इस टेम्परेरी योजना के अग्निपथ योजना के तहत लाना चाहिए था? कांग्रेस पार्टी इस योजना का विरोध करती है। जब एक दुर्भाग्यपूर्ण बुढ़िया कांड हिमाचल के अंदर हुआ था तो उन्होंने पूरा हिमाचल प्रदेश में आग लगा दी थी। जुब्बल कोटखाई के थाने में इन्होंने आग लगाई, ठियोग के थाने में इन्होंने आग लगाई और आज हमें नैतिकता का पाठ ये लोग पढ़ा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और इससे बड़ा दोहरा मानचित्र किसी व्यक्ति का और किसी सरकार का नहीं हो सकता है। ये जो विषय है ये प्रदेश के देश के भविष्य के बारे में है, युवाओं के भविष्य के बारे में है और वीर भूमि हिमाचल है। यहाँ से जो युवा सेना में जाता है वो मात्र नौकरी के लिए नहीं जाता है, वो मात्र पैसे कमाने के लिए नहीं जाता है, वो जाता है मर मिटने के लिए। इस मातृभूमि ने जो है परम वीर चक्रों को पैदा किया है, इस मातृभूमि ने कैप्टन विक्रम बत्रा को पैदा किया है, इस मातृभूमि ने और ऐसे वीर जवानों को पैदा किया है, इसलिए उनके स्वाभिमान को इस सरकार ने ललकारा है। शिमला शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट सिटी के तहत यातायात पुलिस को हाईटेक बनाया जाएगा। आज शिमला पुलिस को शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 60 लाख के आधुनिक उपकरण सौंपे हैं। इस अवसर पर भारद्वाज ने बताया कि इन उपकरणों से पुलिस को यातायात को सुचारू करने में मदद मिलेगी। इन उपकरणों में अल्कोहल सेंसर, स्पीडोमीटर, कैमरे और इलेक्ट्रिक स्कूटर जैसे उपकरण शामिल हैं। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी के तहत यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक आधुनिक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा। जो शहर हैं उनको स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करना, 2014 में सत्ता संभालने के बाद जो है ये मिशन प्रारंभ हुआ जिसमें कॉम्पिटिटिव मोड पर जो है वो शहरों को छांटा गया। इसमें शिमला भी स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो है एक शहर है और स्मार्ट सिटी में केवल मात्र जो है वो फिजिकल जो हमारी चीजें हैं, सड़कें हैं या आपकी जो है वो गलियां हैं, मकान हैं, उनके अलावा जो है जो सिटी के बाकी भी सॉल्यूशंस हैं वो भी स्मार्ट होने चाहिए। इसलिए जो सिविक सॉल्यूशंस हैं हमारे पानी का है, बिजली का है, ऑनलाइन सर्विसेज हैं, डिजिटलाइजेशन है और इसके साथ साथ जो ट्रैफिक व्यवस्था है हमारी वो भी स्मार्ट हो।
सिख धर्म के नौवे गुरु गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में 19 और 20 जून को रिज शिमला में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस समारोह में शामिल होंगे। गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष जसविंदर सिंह ने कहा कि सभा पदम देव परिसर में लंगर का आयोजन करेगी, जिसमें दो दिन तक 50,000 लोगों के लिए लंगर का प्रबंध किया गया है। हिमाचल के अन्य जिलों के लिए 25 बसें लगाई गई हैं, जिनमें 2,500 संगत आएंगे। पर्व को मनाने के लिए शब्द कीर्तन के लिए विशेष जत्थे बुलाए गए हैं। गुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पहले तो मैं हिमाचल सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो इतने बड़े आयोजन का उन्होंने हमारे को सारा सहयोग दिया है। गुरु सिंह सभा शिमला को, गुरु तेग बहादुर जी साहब का 400 साल जो हम बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं, उसमें मैं सभी का, सहयोगियों का, जैसे सारी संस्थाओं का धन्यवाद करना चाहता हूं। और इसमें 400 साल गुरु तेग बहादुर साहब का जो 19 और 20 को रिज पे मनाया जा रहा है, इसमें लगभग हिमाचल, पूरे हिमाचल से 3,000 से 4,000 संगत के रूप में जो बसें और प्राइवेट गाड़ियों में लोग आएंगे। और इसके उपरांत जो होगा हमारा, हमारे गवर्नर साहब और मुख्यमंत्री विशेष तौर से इसमें उपस्थित रहे। केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना के तहत सेना में 4 साल के लिए भर्ती करने के फैसले के खिलाफ देश भर में बवाल मचा है। युवा जहां सड़कों पर हैं, वहीं विपक्षी दल भी इसके विरोध में उतर आए हैं। इस योजना के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने भी प्रदेश भर में शनिवार को धरना प्रदर्शन किया। राजधानी शिमला में भी उपायुक्त कार्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी ने अग्निपथ योजना के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगाए और इस योजना को जल्द वापस लेने की मांग की। इस योजना में त्रुटियों के अलावा कुछ नहीं दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ये एक बहुत भद्दा मजाक है हमारे देश के बेरोजगार युवाओं के साथ। आप देखिए कि 4 साल के लिए उन नौजवानों की सेवाएं ली जा रही है देश के लिए, जो कि अभी पढ़ने का टाइम था उनका, 17 से 23 साल की उम्र का एक प्रावधान रखा गया है कि इसके बीच में आपका सिलेक्शन हो सकता है, आप सेना के माध्यम से देश की सेवा कर सकते हो सरहद पे जाकर। तो ये देखिए कि उसके बाद उनका क्या होगा, उसके बाद जब वो बच्चा वापिस आएगा 23 या 24, मान लो वो 17 साल की उम्र में भर्ती हो जाता है, 23 साल की उम्र में वो रिटायर हो जाता है वहां से, उसके बाद ना तो इस स्कीम के अंदर ये लिखा गया है कि उसको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं और किस तरीके से वो आगे की लाइफ अपनी सर्वाइव करेगा, जबकि उसकी पूरी तरह से पढ़ाई खराब हो चुकी होगी। तो आज देश का जो युवा है वो ये पूछना चाहता है कि अपनी जो सपने उसने संजोए थे बचपन से लेके आज तक, कि वो आर्मी में जाएगा, अपने जॉब के साथ साथ देश का सेवा भी करेगा, उनकी भावनाओं के साथ जो ये खिलवाड़ हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है। और हम हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा परिणाम ऑनलाइन जारी किए गए हैं, जिसे छात्र हिमाचल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इस बार 12वीं का रिजल्ट 93.51% रहा। एक बार फिर रिजल्ट में लड़कियों ने बाजी मारी है और टॉप 10 में सिर्फ लड़कियों ने ही जगह बनाई है, जबकि टॉप 20 में भी 19 छात्राएं हैं। इस बार 12वीं का रिजल्ट 93.91% रहा है। आप सभी को मेरा नमस्कार। काफी समय बाद हम आपस में अभी मिल रहे हैं और सुखद अनुभव ये है कि प्लस टू का जो हमने परीक्षाएं ली थी उसके बाद परिणाम के बारे में कि कैसे परिणाम निकलेगा, क्योंकि नया सिस्टम, टर्म सिस्टम के आधार पर और वेटेज के आधार पर ये सारा परिणाम निकाला गया है। और इसकी दूसरा करैक्टरिस्टिक महत्वपूर्ण ये था कि इस वक्त हमने सारे के सारे सिस्टम को या लर्निंग को एक्टिविटी बेस्ड बनाया है। हरियाणा के पंचकूला में खेलो इंडिया यूथ में जिला कुल्लू की खिलाड़ी एकता ठाकुर ने भी सिल्वर मेडल हासिल किया है। तो वहीं एकता ठाकुर का कुल्लू पहुंचने पर जिला कुल्लू बॉक्सिंग संघ के द्वारा स्वागत भी किया गया। इस दौरान मेडल जीतने पर एकता ठाकुर की हौसला अफजाई भी की गई। ये प्रतियोगिता 8 से 13 जून तक पंचकूला हरियाणा में हुई है।
और इसमें मैंने 75 केजी वेट कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मेरा सिल्वर मेडल था। प्रैक्टिस के लिए तो जैसे मैं करती थी, मैं मनाली में किया और बजौरा में करती थी। कंपटीशन से पहले मैंने मनाली में किया 20 दिन तक, उससे पहले मैं बजौरा में करती थी प्रैक्टिस। मैं यहाँ पे पिछले 5 वर्षों से सक्षम का भी मेडल आया, अभी एकता का भी मेडल आया, इन दोनों को बहुत पर देख रहा हूँ। 5 वर्ष से प्रयास करेगी यहाँ पे एक रिंग। जहां देश गर्मी से बेहाल हो रहा है, वहीं हिमाचल में भी 2 दिनों से बारिश हो रही है। लोग लगातार गर्मी की छुट्टियां मनाने हिमाचल का रुख कर रहे हैं, जिस कारण से मौसम एकदम ठंडा और सुहावना हो गया है। गर्मी की छुट्टियों के दौरान पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और अन्य शहरों से आने वाले श्रद्धालु इस मौसम का आनंद उठा रहे हैं। बरसात का मौसम शुरू हो गया है, ऐसे लग रहा है ठंड बहुत ज्यादा हो रही है और धुंध भी कोहरा बहुत सारा है। जय माता दी। हम बरनाला पंजाब से आए हैं, बारिश पड़ रही है, मौसम बहुत अच्छा है, धूल पड़ रही है, माता नैना देवी। नूरपुर में वन, युवा सेवाएं और खेल मंत्री राकेश पठानिया ने आज शनिवार को कोपड़ा पंचायत के हरिजन बस्ती, महटी और ठेहड़ में संपर्क मार्ग का शुभारंभ किया। इसके पश्चात उन्होंने औंद पंचायत में चलोड़ कोपड़ा वाया भरमाल रास्ते के अतिरिक्त मुख्य सड़क से एसटी बस्ती मनुआ में एम्बुलेंस रोड का भी लोकार्पण किया। चाहूंगा आपने जो स्वागत किया, आपने जो आशीर्वाद बख्शा, कल हमारे बीच में हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी धर्मशाला में, और कल शाम को उनको हवाई अड्डे पे छोड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मिलने का सौभाग्य प्राप्त, और कल सचमुच ऐसा लग रहा था किसी देव पुरुष के दर्शन हो रहे। जिस व्यक्ति नगर परिषद बद्दी में पिछले कई महीनों से अध्यक्ष की कुर्सी खाली थी, लेकिन आज वार्ड नंबर 8 के पार्षद जसीराम को नालागढ़ एसडीएम महेंद्र पाल गुज्जर ने अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई। एक बार फिर बीजेपी ने न बद्दी पर अपना कब्जा किया है। नगर परिषद बद्दी के अध्यक्ष के रूप में जसीराम चौधरी जी ने आज शपथ ग्रहण की है, इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। और नगर परिषद बद्दी के जितने भी कार्य पेंडिंग है, मुझे पूर्ण आशा है कि जल्दी मीटिंग बुला के उन कार्यों को, जैसे किसी के नक्शे रुके हुए उनको जल्दी वो करेंगे, या कोई सफाई की व्यवस्था उसको सुचारू रूप से चलाएंगे, और जितने भी टेंडर पेंडिंग है उनका टेंडर लगाएंगे, क्योंकि नगर परिषद बद्दी के अंदर बहुत से कार्य करने को अभी अभी बाकी है। तो मुझे आशा है कि जसीराम जी की अध्यक्षता में हमारी नगर परिषद बद्दी के जो सभी हमारे पार्षद करेंगे, जो भी रुके हुए कार्य हैं उन पर जल्दी मीटिंग करेंगे, मीटिंग में जितने भी रुके हुए कार्य हैं उनको निपटाया जाएगा। क्या क्या कार्य जो करने के रुके हुए सर? सबसे यहाँ की मेन जो है सफाई की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, ये कब तक होगी? चेक करेंगे इस पे अभी बैठ के, जो भी समस्या है उसको हल करेंगे जल्दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।